आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर का ये केक। देखिए गाइस, मैंने केक जो है पहले ही बेक करके रख लिए हैं और मैंने दो कलर के केक बनाए हैं, एक वनीला केक बनाया था और एक मैंने बनाया है रेड वेलवेट, क्योंकि उनको जो है थोड़ा हाइटेड केक चाहिए था, इसलिए जो है मैंने इसको हाइट देने के लिए दो तरह के केकों को बेक किया है। अब मैंने इसमें शुगर वाटर डाल दिया है गाइस, इसके बाद मैं इस पे क्रीम लगा रही हूं और क्रीम जो है मुझे कम लगानी है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्रीम नहीं चाहिए थी। जिनका ये ऑर्डर था उन्होंने मुझसे कहा कि हमें क्रीम जो है काफी कम चाहिए, तो आप देख सकते हैं मैं कितनी कम क्रीम इस पे लगा रही हूं। और ये देखिए, मैं क्रीम को अच्छे से लगाने के बाद अब हम जो है इस पे रेड कलर का जो केक हमने बेक करा है वो रखेंगे। गाइस, केक की रेसिपी मेरे चैनल पे है, बहुत सारे मैंने केकों को बेक किया है, सबकी रेसिपी मैंने डाली है, मैं इसका जो है लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने अब दोबारा से इस पे शुगर वाटर लगा दिया है और इस पे भी हम क्रीम को लगा देंगे और कम ही क्रीम लगाएंगे इस पीस पर भी। अगर शुगर वाटर जो है मैंने बनाया है चीनी से और पानी से, इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था, येलो फूड कलर। और ये देखिए, मैं इस पे भी दोबारा से पीस रखने के बाद अब हम इस पे भी शुगर वाटर डाल रहे हैं और इसको भी हम दोबारा से क्रीम से लगा देंगे। इसी तरह जो है मैं इस पे वन बाय वन पीसेस रखती रहूंगी और क्रीम लगाती रहूंगी। ये देखिए, ये मैंने लास्ट रखा है और लास्ट रखने के बाद इस पे भी हम अच्छी तरह क्रीम लगाने के बाद और इसको जो है फिनिशिंग दे देंगे। गाइस, बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लगानी है मैंने इस पे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उनको बहुत कम क्रीम चाहिए थी, तो मैंने इसलिए बहुत पतली सी लेयर लगाई है क्रीम की। आप लोग देख सकते हैं कि स्पॉन्ज जो है दिख रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अच्छी तरह क्रीम लगा सकते हैं ज्यादा, अगर आप लोग खाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे जो है पर्पल रंग के केक का ऑर्डर आया था, मैंने इसलिए पर्पल रंग का बनाया है। अगर आप लोग चाहें तो कोई भी कलर का बना सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने जो है क्रीम में थोड़ा सा पर्पल रंग डालकर और इसको जो है बीट कर लिया था, तो बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह मैं जो है नूजल की मदद से फ्लावर बनाती जा रही हूँ। देखिए कितना जबरदस्त ये केक लग रहा है और ये बाजार में तो बहुत ही महंगा मिलता है। देखिए, मैंने छोटे और बड़े फ्लावर बनाकर कितनी आसानी से इसको जो है सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है। अब मैं इसके बीच में जो ये खाली जगह है इसमें थोड़ी सी बंटी डालूंगी गाइस। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक लग रही है इसकी, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा बना था, उनको भी बहुत ही पसंद आया जिनका ये ऑर्डर था। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है बंटी डाल दी है और अब मैं इसके बीच में थोड़ा सा क्रीम को लगाकर और एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई उस पर बिठा दूंगी। तो गाइस, ये देखिए माशाल्लाह से हमारे केक का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।